सेल्स टैक्स टू बी चार्ज ऑन रिटेल प्राइस ऑन सर्टन इंपोर्टेड गुड्स, आज तक सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो रिटेल प्राइस रजीम है, जो फाइनल कंज्यूमर प्राइस पे सेल्स टैक्स फर्स्ट स्टेज पे लिया जाता है, वो रिस्ट्रिक्टेड है टू दी एक्सटेंट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। अब जो फिनिश्ड आर्टिकल्स इंपोर्ट होंगे उन पे भी कंज्यूमर प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स लिया जाएगा एट द इंपोर्ट स्टेज, और ये इंपोर्टर ने इंश्योर करना है कि द कंज्यूमर प्राइस इज प्रिंटेड ऑन द ईच आर्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट। इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक मैकेनिज्म इन द केस ऑफ सिगरेट्स फॉर एक्साइज ड्यूटी पर्पजेज कि वो इंपोर्टेड होगा तो उसके हर आर्टिकल पे प्राइस होगी, सो इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी अवेलेबल है। ये नया मेजर शिफ्ट है, इंपोर्टेड गुड्स जो हम हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करते हैं, जो हम लक्स इस्तेमाल करते हैं, डव इस्तेमाल करते हैं, जो इंपोर्टेड आएगा उसके ऊपर भी रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स लिया जाएगा। टीयर वन रिटेलर, ये कॉन्सेप्ट था कि ये जो टीयर वन रिटेलर हैं जो एयर कंडीशन मॉल में है, नेशनल और इंटरनेशनल चेन है, इसके अंदर एक फर्दर कैटेगरी डाली गई है शॉप मेजरिंग 1000 स्क्वेयर फीट और मोर, ये अब टीयर वन में होगा, इसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब टीयर वन ने 17% पे टैक्स देना है, और इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल थी 2% वाली वो अब एप्लीकेबल नहीं होगी, जो आप एक्सरसाइज कर सकते थे सिंगल स्टेज 2% विदाउट इनपुट वो अब खत्म करने का प्रपोजल है, और अब टीयर वन एक्सक्लूसिवली विद वन ऑफ द कैटेगरीज इंक्लूडेड इन टू इट 17% भी होगा। और कंज्यूमर्स के लिए एक इंसेंटिव प्रपोज किया है, कस्टमर्स ऑफ टीयर वन रिटेलर टू बी इंटाइटेड टू रिसीव अ कैश बैक ऑफ अप टू 5% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व इन मैनर एंड एक्सटेंट टू बी प्रिस्क्राइब, 5% का वापस मिलेगा, पता नहीं मोबाइल फोन में क्रेडिट आएगा जैसे भी इसका मैकेनिज्म आएगा, पर 5% अगर आप रिसीव लेंगे तो उसका 5% जो सेल्स टैक्स दिया होगा उसका कैश बैक क्रेडिट। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इसके बारे में अखबारों में बात चलती रही, टीवी पे चलती रही, जो 5 एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स थे उनकी जो लोकल की जो रेटिंग थी उसको अब खत्म करने का प्रपोजल है और 17% का टैक्स आएगा। ये एसआरओ आज की स्टेज पर है लेकिन ये अभी जब नोटिफिकेशन आएंगे तो ये विड्रॉ हो जाएगा, बुक पे 17% के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें जो फिनिश्ड फैब्रिक है या जो क्लोथ हैं जिनका इस वक्त रेट 6% है, अगर आपका अकाउंटिंग सिस्टम या इन्वॉइसिंग सिस्टम एफबीआर के साथ लिंक है उनका 6% रेट है, जिनका नहीं है उनका 9 है, इन रेट्स को अब 15% और 17% करने का प्रपोजल है। टोल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बड़ी देर से डिबेट चल रही है, वो डिबेट अभी अपनी जगह ही है, विच इज के ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट है। इस वक्त टोल मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में 2 डिफरेंट प्रोविजन हैं जो इसको गवान कर रही हैं। एक जो टैक्सेबल गुड से रिलेटेड टोल मैन्युफैक्चरिंग है उसके कन्वर्जन चार्जेस के ऊपर टैक्स का इतलाक है, और जो एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस या कन्वर्जन चार्जेस हैं उसका फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर कन्वर्जन चार्जेस है। अब सिंगल यूनिफॉर्म बेसिस करने का प्रपोजल है और सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। इसमें एक लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट है, इस पर बाद में जाहिर डिस्कशन होगी, मैटर को डिस्पोज भी किया था और ये बात की थी कि प्रोविंसेस और फेडरेशन आपस में बैठ के इसका कोई वर्कबल सोल्यूशन निकालें। इस वक्त फेडरेशन कह रही है उन्होंने भी देना है, यूको वाले कह रहे हैं उन्होंने भी लेना है, तो ये मैटर अभी अपनी जगह है, लेकिन बेसिस ऑफ टैक्सेशन अंडर द फेडरल सेल्स टैक्स को यूनिफॉर्म कर दिया। थर्ड शेड्यूल में ये आइटम्स डाली है, थर्ड शेड्यूल वो शेड्यूल है, वो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन है जिसमें मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं ऑन द फर्स्ट स्टेज, और बाकी सारी स्टेजेस के ऊपर इनपुट आउटपुट टेक्निकली बराबर रहता है, उसमें कोई फर्दर टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। उनमें ये सारी प्रोडक्ट्स डालने का प्रपोजल है। आखिरी 2 को छोड़ के, ये पहले भी 2013 में डाली गई थी लेकिन फिर फाइनल पोजीशन 2-3 माह के बाद सितंबर अक्टूबर में चैप्टर 13 में इनको ले गए थे और इसमें 2% एक्स्ट्रा टैक्स का प्रपोजल का इतलाक लगा दिया था,
इस दफा ये रीइंस्टेट की है थर्ड शेड्यूल में, और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को फॉर द फर्स्ट टाइम थर्ड शेड्यूल का हिस्सा बनाया। इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ स्टील बिलेट, शिप प्लेट, बार एंड अदर लॉन्ग री रोड प्रोफाइल मैनेजर वो सब्जेक्ट टू एफईडी सेल्स टैक्स कोड, इसको एग्जाम करके अब एफईडी सेल्स टैक्स कोड में एफईडी में ले गए स्टील के सारे सेक्टर। इस तरह से सेल्स टैक्स खत्म करने का प्रपोजल है और इसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी टॉपिक बना रहे हैं सेल्स टैक्स कोड में, यानी इनपुट आउटपुट उसके अंदर अवेलेबल होगा। एट शेड्यूल रिड्यूस रेट है, इसमें ये सनफ्लावर सीड, कैनोला सीड, इनके ऊपर सेल्स टैक्स का इकलास किया है, और ये इसका भी ताल्लुक है जो एफईडी लगाई है आगे वेजिटेबल ऑयल पे और उन चीजों पे, उनके साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। रिड्यूस ट्रेड फैसिलिटी ऑफ 8% प्रेजेंटली अवेलेबल इन द केस ऑफ शुगर, ये एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट है जो ये कि हमने जब देखा भी था कि जो बजट का कॉम्पोजिशन था एक बड़ा चंक इस इंडस्ट्री से, इसमें फिलहाल रिड्यूस ट्रेड है 8% का, इसको वापस 17 पे लेके जाने का प्रपोजल है। बड़ी अमेंडमेंट है, इट इज अ मेजर अमेंडमेंट लाइक 1.25। एट शेड्यूल में आइटम एज सोल्ड इन रिटेल पैकेजिंग, इन सालों में 10% का रेट है, और सिल्वर एंड गोल्ड 1+2% वैल्यूएशन का रेट है। ये इन आइटम को एट शेड्यूल में लेकर गए हैं, रिड्यूस रेट एट शेड्यूल डील करता है, नॉट 17, 10, 8 ये रेट चल रहे हैं इनके अंदर, ये इन आइटम्स के ऊपर है। इस पे कैरिंग ऑन विद एट शेड्यूल प्रिपेयर फूड फूड स्टफ सप्लाई बाय रेस्टोरेंट्स, ये रेस्टोरेंट के ऊपर इस वक्त पोजीशन ये है कि केटरर और रेस्टोरेंट इस पर ये क्लैरिफिकेशन पैनल करेगा और एफबीआर के नुमाइंदे इस पर बात करेंगे। इसके ऊपर प्रोविंशियल टैक्सेस का फिलहाल इतना रेस्टोरेंट को केटरर्स को सर्विस कैटेगराइज किया गया और उसके प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, और इवन इस्लामाबाद के अंदर जो 2000 का आईसीटी ऑर्डिनेंस है उसके अंदर भी इसके ऊपर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के तौर पे कलेक्ट किया जा रहा है। इसमें 7.5% 1 ईयर विदाउट इनपुट कलेक्ट करने का अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, बट इस पर बात करेंगे व्हेन वी कम टू दैट। इसका जस्टिफिकेशन फेडरल लॉ में होना ये एक डिबेट अपनी जगह। नाइन्थ शेड्यूल सेलर में पहुंचता ये रेट छोटी सी अमेंडमेंट है, रेट की थोड़े से रेट कम किए, कहीं ज्यादा किए कहीं कम किए। ये टेंथ शेड्यूल ब्रिक्स को एरिया वाइज फिक्स टैक्स विदाउट इनपुट लेकर आए हैं, एरिया वाइज लाहौर रावलपिंडी 12,500 कुशाग मियां वाली जो जरा थोड़े अंडर डेवलप्ड एरिया है वहां पे 7,500, दिस इज पर मंथ टैक्स है, 1 ईयर है, विदाउट इनपुट है, फिक्स है। विदहोल्डिंग टैक्स के रूल जो 2000 विदहोल्डिंग टैक्स का मैकेनिज्म जो 2007 के रूल्स में इस वक्त आ रहा है उसको टैक्स का हिस्सा अंडर 11th शेड्यूल लाने का प्रपोजल है, और इसमें ये बेसिक अमेंडमेंट है, लेकिन ये एक दफा दोबारा सारे को इसकी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत अभी रहती है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे उन रूल्स में से फिलहाल निकाला हुआ था इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को गैस कंपनी को उनकी होल्डिंग नहीं करनी, इस वक्त ये एक्सक्लूजन इसके अंदर नहीं है। फिर ये एटीएल का जो कॉन्सेप्ट था कि जो एटीएल टू एटीएल था उसमें भी होल्डिंग की जो एक्सेप्शन थी वो इस वक्त नहीं आ रही है। भारत रेट में मार्क हुआ एक कैटेगरी विच इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो इस वक्त 1% जिसकी विद होल्डिंग है उसकी 5% करने का प्रपोजल है। अदर देन दैट रेट हुई है, लेकिन इसकी एक्सक्लूजन अभी दोबारा फाइन ट्यून होने की जरूरत है। नेक्स्ट कमर्शियल इंपोर्ट का सेपरेट चैप्टर है, इसको 12th शेड्यूल में लेकर गए हैं, और जो 3% का टैक्स है उसकी कुछ एग्जेम्पशन क्रिएट करनी है, कुछ नई आइटम लेकर आए हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले अदर देन फर्नेस ऑयल थी उस पर नहीं था, वो सारी प्रोडक्ट्स बीच में डाल दी है 27 नंबर चैप्टर की। बहरहाल ये ट्रांसपोजिशन है रूल से, स्पेशल प्रोसीजर रूल से निकाल के
12th सेंटर में लेकर आने का प्रपोजल है। अच्छा जी, अब सेलियंट सेक्टर की चीजें जो नोटिफिकेशन के तहत आएंगी उनके ऊपर जरा बात हम करेंगे। फर्दर टैक्स एट 3% इज चार्जेबल ऑन ऑल सप्लाइज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सिमिलरली अगर SRO 509, 5% एक्स्ट्रा टैक्स इज चार्जेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड गैस बिल्स फ्रॉम ऑल अनरजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर हूज मंथली बिल एक्सीड 15,000। इट इज प्रपोज टू विड्रॉ सच टैक्सेस इन द केस ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। इनके ऊपर फर्दर टैक्स को खत्म करना है, लेकिन ये वो नोटिफिकेशन जो सेक्शन 318 प्रोवाइड कर रहा है उसमें अमेंड होगा। आई थिंक ये नोटिफिकेशन आएगा इफेक्टिव 1 जुलाई। सेक्शन 8B जो 90% में इनपुट टैक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है उनको बोर्ड को ऑथराइज किया है केस टू केस बेसिस पे, सेक्टर टू सेक्टर बेसिस पे 95% तक लेके जा सकते हैं। इनवॉइस उर्दू में भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है टैक्स इनवॉइसेस में, CNIC नंबर शैल बी मेंशन इन केस ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इफ नॉट एट्रीब्यूटेड इनपुट टैक्स शैल बी डिसअलाउड। ये बहुत सीरियस बड़ी अमेंडमेंट है। आज जो बात पहले भी आप लोगों ने पिछले सेशन में भी देखी और अदरवाइज भी, ये नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली उसको लीगलाइज और लेजिटिमाइज कर रहा था कि अगर मैंने ड्यू टैक्सेस दे दिए हैं तो फिर मैं अब सिस्टम का हिस्सा हूं, नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड वाली सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में। अब जिसको सेल किया जा रहा है मैन्युफैक्चरर का या सेलर का, ये कॉन्सेप्ट था कि मैंने 3% टैक्स दे दिए, यही किताब कहती थी, इसके अलावा मेरे ऊपर कोई फर्दर बर्डन नहीं आ सकता। अब इसको टाइटन किया है और CNIC नंबर मैंडेटरी है। CNIC नंबर नहीं होगा तो सप्लायर का भी प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल करने का प्रपोजल है। एक पिछली दफा ऑडिट 1 से 3 ईयर था, इसको वापस 1 ईयर पे सख्ती जरा मजीद बढ़ाई है। अभी रिसेंटली हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया था कि ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव जो 3 साल वाली थी, जो पीछे से चलते आ रहे थे, उनका भी एक केस सिलेक्ट हुआ था 2 साल पहले बिफोर इंसर्शन ऑफ दिस कंसेशनरी थिंग, उनके लिए भी इसका इतलाक था 12, इसको वापस 1 ईयर पे। रिवीजन ऑफ रिटर्न विदाउट 60 डेज में की जा सकती है। पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग, इसको थोड़ा सा बढ़ाया है। ऑडिट सिलेक्टेड इनकम टैक्स की लाइन में, सेल्स टैक्स में भी क्राइटेरिया को कॉन्फिडेंशियल रखने का अमेंडमेंट है। ये 1125 की एबोल्यूशन से राइट वे रिफंड का इश्यू दोबारा अराइज होता है और यही उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लोकल कंजम्पशन पे टैक्स लगाएं, हमारे रिफंड का टाइमली मैकेनिज्म किताब के अंदर होना चाहिए ताकि सब कैपिटल ना हो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट साथ के साथ मिले। उनको बहुत सारी इंश्योरेंसेस दी गई है, बार प्रैक्टिकल रिजल्ट तो रिजल्ट वाले दिन ही आता है। पेपर तो मैं आगे अपनी अपू को भी कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट तो रिजल्ट वाले दिन ही आता है। तो बोर्ड टू अलाउ रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स टू एक्सपोर्टर्स एट फिक्स्ड रेट इन द मैटर प्रिस्क्राइब। इस सिचुएशन को सेक्शन 10 से एक तरमीम करने का प्रपोजल है कि रिफंड को फिक्स्ड बेसिस के ऊपर, ये भी एक चीज ये देन हो सकती है कि इतना परसेंट फिक्स तो फॉरन दे दे, बाकी मैकेनिज्म के थ्रू होगा या वैसे ही फ्री एग्रीड होगा जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक्स होता है। शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को लाइक डायरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के लिए अकाउंटेबल कर दिया। पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट टू नोटिफाई गुड सब्जेक्ट टू 0 रेटिंग, वो इन सर्कमस्टांसेस के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है और जो बोर्ड की पावर थी उनको विड्रॉ करने का प्रपोजल है थ्रू जनरल ऑर्डर। ये मैटर बड़ी देर कोर्ट में चलता रहा है, आई एम श्योर इसमें कुछ होमवर्क वगैरह हुआ होगा, वो आके भी कुछ क्लियर करेंगे। ये मिनिस्टर इन चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट था नोटिफिकेशन करने का, ये कोर्ट के पीछे टेस्ट हुआ है और इसमें कोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया। अब इन सारे मैटर्स में दोबारा मिनिस्टर इन चार्ज जो एज अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने का कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन का लेकर आए हैं। देखिए बारह लिखने की मैंने जल्दी से लिख दी है, हाईलाइट मैंने कर दी है, बाकी डिस्कशन कर लेंगे कि ये जो स्कीम है
के नोटिफाइंग और एसआरओ इश्यू करना बाय द मिनिस्टर बाय बोर्ड थ्रू अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर, ये पहले एक चैलेंज हुआ है और इसका रिजल्ट कुछ है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्विकली, सिगरेट का रेट इनहैंस किया एज यूजुअल बेसिस, अगर साल में 3 दफा फाइनेंस सकता है तो 3 दफा होगा, तो रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसकी वेरियस एक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसका एक परस्पेक्टिव होता है कि जी इसकी कंजम्पशन को कम करने के लिए आर कमिटमेंट टूवर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके रेट्स को बढ़ाएं। 12 हमारे यहाँ पे एक चैलेंज होता है कंपेरिजन विद इलिसिट, अगर आप बहुत महंगा सिगरेट करें तो एक्साइज ड्यूटी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो अदरवाइज बिक रहा होता है माल नॉन ड्यूटी पेड या जो इलिसिट होता है, अगर आप उससे टैक्स रिकवर ना करें तो फिर जो डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड वंस मेंशनिंग के 2 प्लेयर्स इन दी टोबैको इंडस्ट्री इज पेइंग 98% ऑफ द टैक्स, तो टैक्स को बढ़ाना इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इलिसिट मार्केट से कलेक्ट करना बड़ा इश्यू है। और बड़ी अमेंडमेंट इसमें जो की है, इस पर 3 टीयर के दरमियान वाला टीयर खत्म कर दिया है और अब दोबारा 2 टीयर पोजीशन एक कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2 सिगरेट्स में डिवाइड करके वो ड्यूटी को रिवाइज किया। सीमेंट पे ड्यूटी बढ़ाई है, एलएनजी से फिक्स से 10 रुपीज कर दिया है, 17.18 पर 100 क्यूबिक मीटर 2 रुपीज 10, और एरिएटेड बेवरेजेस कोका कोला पेप्सी कोला के ऊपर 11.5% से 14% करने का प्रपोजल है। पैकेज नॉन एरिएटेड जूसेस, ये जो मैंगो जूस एप्पल जूस इनके ऊपर फर्स्ट टाइम ड्यूटी 5% लगाने गए, एडिबल ऑयल्स को 16 से 17% करने गए और डोमेस्टिक एयर ट्रेवल पे भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, 2000 रुपए से 1500 और 1250 से 900। लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ियां, ये सेकेंड अमेंडमेंट जो भी आई थी जनवरी में, इसमें गाड़ियों के ऊपर 1700 cc से अब वाले के ऊपर लगाई थी 10%, अब उसको रैशनलाइज कर दिया, सारी कैटेगरीज को ले दिया, स्प्रेड कर दिया इसको अप टू 1000 2.5%, 1000 से 2000 5% और 2000 से बड़ी गाड़ी 7.5%, पहले 1700 और उससे ऊपर वाले के ऊपर एक ही ड्यूटी थी 10% की। स्टील प्रोडक्ट्स सेल्स का भी मैंने जिक्र किया था, बड़ी लिटिगेशन है, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, फिलहाल इसको सेल्स टैक्स से निकाल के फेडरल एक्साइज के स्कोप पे लाया गया है और इसमें अगेन मिनिमम लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज एक्चुअल पे जो टैक्स आपने देना है विच इज वैल्यू बेस्ड वो आपने देना है टू बी 17% एक्साइज ड्यूटी और वर्सेज 1 मैट्रिक टन पर 700 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, 1 मैट्रिक टन पर 110 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। अब क्वांटिटेटिव जो है उसकी लिमिट्स और उसकी कंजम्पशन और उसकी कन्वर्जन रेशियो एक एग्री की है और कम अज कम जो आपने ड्यूटी देनी है एक्चुअल इंटू 17% वर्सेज इतनी क्वांटिटी के ऊपर कितना बच रहा है, इसमें एक इश्यू है विच इज एक्साइज ड्यूटी है तो मैन्युफैक्चर पे लेकिन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इसकी भी टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर है। अब जब आप क्वांटिटेटिव मिनिमम प्रिस्क्राइब करते हैं तो फिर ऐसा मुमकिन है कि मैंने बिजली कंज्यूम करने के बाद अगर जो क्वांटिटी बनाई है तो अल्टीमेट डिस्पैच नहीं की, वो मेरे पास अभी स्टॉक पे है, तो बेसिक लाइक मैंने 5 बनानी थी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मैंने 5 बना ली 2 बेची है, मेरा रिटर्न जो कमिश्नर के पास जाएगा वो 2 का जाएगा और जो बिजली का बिल उसकी सपोर्ट में जाएगा वो 5 का जाएगा, तो इनका रिकंसिलिएशन आपस में जो होना है इसके बारे में कोई मैकेनिज्म या प्रोसीजर यकीनी तौर पे आना चाहिए।